टाटा मोटर्स सस्ती ई व्हीकल कार का सपना पूरा कर रही है और यह सपना पूरा हो रहा है टाटा टियागो कार से। जी हाँ, हम यहाँ पर टाटा टियागो कार के साथ खड़े मौजूद है, लेकिन ये ई कार नहीं है, ये टियागो का नॉर्मल पेट्रोल मॉडल है। लेकिन जल्द ही झारखंड में आपको टाटा टियागो ई कार अवेलेबल होगा। अगले महीने से, मिड जनवरी से आपकी यहाँ पर बुकिंग शुरू हो चुकी है, पहले से ही अक्टूबर से बुकिंग शुरू है, और ऐसे में मिड जैन तक यहाँ के शोरूम में, टाटा मोटर्स के रांची शोरूम में, आपको टाटा टियागो ई व्हीकल कार मौजूद मिलेगी। फीचर्स की बात अगर हम करें तो कार बिल्कुल वैसी होगी जैसी ये कार आपको देखने को मिल रही है, चमचमाती वाइट कार, और ये 5 कलर्स में अवेलेबल है। टाटा मोटर्स ने जब इसकी लॉन्चिंग की थी 1 महीने पहले, तब इस कार की खासियत जो है वो ई व्हीकल के साथ ही यहाँ पर खास बात ये है कि आम लोगों के पहुँच में, और आप जब कार लेंगे तो ये जो टियागो यहाँ पर ब्रंच पार्क है, तो यहाँ पर आपको टियागो ई वी आपको यहाँ पर साइन बोर्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ब्लूइश टोन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो वो आपको पूरे कार में देखने को मिल सकता है। और ये इस पूरे कार की खासियत यही रहेगी कि ये आम लोगों की पहुंच तक है, क्योंकि काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस की यहाँ पर बात की जा रही है। पहले 10,000 कस्टमर्स के लिए 8.5 लाख के अराउंड इस कार की कीमत रखी गई है। और अगर कार के रियल प्राइस की बात कर ले, अगर टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल से हटकर अगर हम पेट्रोल व्हीकल की बात कर ले, तो इसके अराउंड प्राइस 6 लाख के आसपास है। ऐसे में जब आपको 8.5 लाख रुपए में ई व्हीकल मिल रहा है 10,000 पहले बुकिंग करने वालों को, तो टाटा मोटर्स ये जो ई व्हीकल का सपना है वो सच में आम लोगों के पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पर पूरा कर रहा है। और इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, बुकिंग चल रही है और बम्पर बुकिंग हो रही है, मैं कहूँगी। फीचर्स की बात करें तो हम फीचर्स पर भी बात करेंगे, और यहाँ पर जिस तरह से ये आपको टियागो का साइन बोर्ड दिख रहा है, तो आपको ये टियागो के ब्रेंच के साथ ही आपको यहाँ पर टियागो ई वी का भी ब्रेंच मार्क देखने को मिलेगा। और ये ब्लूइश टोन में आपको ये पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। ये इस कार, ये आप चमचमाती कार देख रहे हैं, शोरूम में फ़िलहाल हम मौजूद हैं। फ़िलहाल ईवी कार यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये आपको फील बिल्कुल उसी तरह से देगा। फीचर्स पर भी हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं। मुकेश जी हमारे साथ मौजूद है। तो जो ई व्हीकल का ट्रेंड काफ़ी बढ़ा है इस बीच में, टाटा मोटर्स ये ई कार लॉन्च कर रही है, टियागो की है, लॉन्चिंग तो हो चुकी है पहले ही, लेकिन अभी तक झारखंड में नहीं आया है, तो कब से इसकी प्री बुकिंग शुरू है? प्री बुकिंग तो 10 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गई थी। पहले फर्स्ट 10,000 कस्टमर के लिए थी, लेकिन जैसे 10 अक्टूबर को जैसे लाइन ओपन हुई तो 10,000 से ज़्यादा बुकिंग हो गई, तो इसको 20,000 कस्टमर में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अभी चल रही है, अभी बहुत कम बुकिंग बची हुई है। और अभी टेस्ट ड्राइव के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएंगी, टेस्ट ड्राइव और डेमो के लिए हमारे पास में। जी, तो क्या क्या खास फीचर्स बताए जा रहे हैं जो कि कार में, ई कार में देखने को मिलेंगे? और इसकी खासियत जैसे कि बताया जा रहा है, टाटा मोटर्स ने लॉन्चिंग के टाइम ही कहा था कि ये आम लोगों की कार होगी, आम आदमी की कार होगी, क्योंकि ये सस्ती कार है ई व्हीकल, ई कार में। जी, तो जैसे कि जो भी ई व्हीकल आती है वो करीब 15-17 लाख से स्टार्टिंग होती है, लेकिन हमारी टाटा की जो टियागो आ रही है वो 8.49 लाख से स्टार्ट हो रही है, और जो टॉप मॉडल आती है, टॉप वेरिएंट, वो आपका 11.79 लाख में आ जाती है। तो ये आम जनता के पास में पहुंच में आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। तो इस, अगर हम पेट्रोल वाली कार की बात करें तो इसकी कीमत कितनी है? पेट्रोल की तो आपके 6.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, और करीब 10 लाख में आपका टॉप मॉडल आ जाती है। लेकिन बैटरी है तो बैटरी की कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए थोड़ा बैटरी में आपका कॉस्ट ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे में कहा जाए तो बिल्कुल ही टाटा जिस तरह से जिस इस मॉडल को, टियागो मॉडल को प्रेजेंट कर रही है, तो आम लोगों की कार जो है, जो एक सपना था कि स्कूटर के बाद कार आएगा और वो भी इलेक्ट्रिक से चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा, तो वो ये सपना यहाँ पर पूरा हो रहा है। जी एकदम। क्या खासियत है, क्या फीचर्स रहेंगे? जैसे कि ये कार तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जब हम जनवरी में जो कार आएगी तो वो किस तरह से अलग होगी? जैसे उसमें भी आपको 5 फीचर्स रहेंगे, आप प्लस जो कार आएगी ईवी के, तो आपका पोल्यूशन फ्री रहती है, सबसे बड़ी बात ये है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। और जैसे कि जो गाड़ी आएगी वो सेम पेट्रोल जैसे आपको दिख रही है उसी तरह सेम रहेगी, उसे भी 5 कलर के ऑप्शन रहेंगे, और उसमें भी आपका, ये आपका जो भी फंक्शन रहता है वो सारा चीज़ रहेगा इसमें।
जैसे कि इसमें आपका दो बैटरी पैक का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि जो एक आदमी होते हैं जो कि कम दूरी चलते हैं तो उनके लिए 19.2 किलोवाट की बैटरी पैक का ऑप्शन आएगा, और जो ज़्यादा रेंज की चाहते हैं तो उनके लिए आपका 24 किलोवाट की बैटरी पैक का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि 315 किलोमीटर की रेंज मिलेगी उनको। तो कहीं भी लॉन्ग टूर जाना है तो उनके लिए उनको दिक्कत नहीं होगी। ये वन टाइम चार्ज? जी, वन टाइम चार्ज में उनको 315 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी उनको। 315 जी। इसकी बैटरी की अगर हम बात करें तो ई व्हीकल के लिए बैटरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो किस किस रेंज में बैटरी अवेलेबल है? जैसे टियागो ईवी जो आ रही है वो दो बैटरी पैक के ऑप्शन में आ रही है। एक आ रही है 19.2 किलोवाट की, जो कि मीडियम रेंज बोलते हैं, उसकी आपको एक बार फुल चार्ज करते हैं 250 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। दूसरी आती है लॉन्ग रेंज 24 किलोवाट की, उसमें आपको एक बार फुल चार्ज करते हैं 315 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की। तो इसमें आपका आप 19.2 किलोवाट की बैटरी पैक लेते हैं तो इसमें 95,000 रुपीज़ का सब्सिडी मिलेगा, और 24 किलोवाट की लेते हैं तो इसमें 1,20,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट से। प्लस ईवी में आपके से बैटरी और मोटर होती हैं तो टाटा मोटर्स की तरफ से आपको 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है दोनों में जो ज़्यादा हो। इसके अलावा आपका व्हीकल में 3 ईयर्स और 1,25,000 किलोमीटर की भी वारंटी मिल रही है। टाटा टियागो के इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा जो इस कार में भी है लेकिन वो उससे भी खास है? जैसे कि टाटा में सभी जो आती है उसमें आपका ऑटो सेंसिंग वाइपर आ जाती है, ऑटो हेडलैम्प आ जाती है। इसमें आपका सबसे मज़ा जो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है बाई हरमन का, इसमें 4 स्पीकर 4 ट्यूटर आती है, चारों पावर आपका विंडो आ जाती है। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके जो बूट स्पेस आती है वो 240 लीटर की है। फिर इसे क्रूज़ कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। प्लस इसमें अभी आपका टाटा टियागो में सबसे बेहतरीन फीचर है जो कि पेट्रोल में भी नहीं है, ये आपका जेट कनेक्टिविटी के साथ में आती है, जो कि स्मार्ट मोबाइल के थ्रू कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसमें अपने मोबाइल से ही सब चीज़ ऑपरेट कर सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं डोर को। बहुत सारी फीचर्स है जो कि आपको इसमें टियागो में मिल रही है इतनी कम रेंज की गाड़ी में। प्लस इसमें आपका स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी आ रही है जो कि इस रेंज की गाड़ी टाटा में किसी में भी नहीं है। तो ये काफ़ी कुछ टाटा प्रोवाइड कर रही है जी, कम रेंज में बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है कस्टमर को, और कस्टमर को बहुत पसंद भी आ रही है। जो कि रिस्पॉन्स कैसा मिला है अभी तक आपको? रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला है टियागो का, बहुत ही अच्छी है। कितने कलर्स में अभी अवेलेबल है जो मतलब बुकिंग कितने कलर्स की अभी हो रही है? बुकिंग तो सभी 5 कलर्स में हो रही है, जो जिसमें और है जैसे पाम ब्लू हो गया, टील ब्लू है, प्रेस्टाइन वाइट है, इसी प्रकार से और भी हैं जी, 5 कलर में अवेलेबल हैं ये। तो कितने कार्स की अभी तक फिलहाल बुकिंग हो चुकी है? मतलब ये जो बुकिंग था ये पूरा पैन इंडिया बुकिंग हो रही है, तो अब कुछ ही नंबर बचे हुए हैं और हमको लगता है इस दिसंबर में वो जी 20,000 स्लॉट में वो भी अब बंद होने वाली है, क्योंकि वो मुझे लगता है 20,000 अब होने ही वाली होगी, तो दिसंबर में वो अनाउंस हो जाएगी कि 20,000 कस्टमर हो गए हैं। तो ये हमारे साथ मुकेश जी थे जिनसे हमने बात की, और फीचर्स कुछ खास अलग नहीं होंगे, जैसी ये कार दिख रही है वैसे ही कार होगी, बस खास बात ये है कि ब्लूइश की जो बैजिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये लाइनिंग आपको ये जो क्रोमा में है वो ब्लूइश में आपको ये देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आप जब इस कार को घूम कर एक बार देखते हैं तो फिर आपको समझ में आती है कि ई व्हीकल जो है वो बिल्कुल इससे अलग नहीं है, लेकिन आपको उसमें पेट्रोल फिल नहीं करना है बल्कि 350 किलोमीटर की रेंज में वो वन टाइम चार्जिंग के साथ आप लॉन्ग टूर भी पूरी कर सकते हैं। और इसकी बुकिंग अक्टूबर टाइम से ही शुरू है, ऐसे में 20,000 कस्टमर्स के लिए ये प्राइस रेंज 8.5 लाख के करीब रखा गया है, और इसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है, और ऑन रोड प्राइस ये आते आते आपके करीब 10 लाख रुपये पड़ जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी बुकिंग करना चाहते हैं तो फिर बुकिंग करिए कार की, ई व्हीकल के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन टाटा मोटर्स लेकर आया है। ऐसे में इसकी काफ़ी टेस्टिंग हुई, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और लोगों के पसंद करने का नतीजा है कि पहले बार में 10,000 के स्लॉट में ये 8.5 लाख की प्राइस रेंज रखी गई थी, लेकिन पहले ही दिन ये स्लॉट ख़त्म हो गया, जिसके बाद कंपनी की तरफ से 10,000 और स्लॉट तैयार किए गए और उस पर बुकिंग अभी भी जारी है। सभी को इंतज़ार है, पूरे झारखंड वासी रांची वासियों को इंतज़ार है कि कब टियागो की
ई व्हीकल मार्केट में उतरेगी और ये आपको सड़कों पर ये जो ई व्हीकल का सपना है वो इस तरह से एक सस्ते दाम में जो बात कही जा रही है कि आम लोगों की पहुंच में है ये कार, तो वो देखने को मिलेगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।